हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप और हम पढ़ रहे हैं मेडिविन इंडियन हिस्ट्री जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी आज जो हमारा टॉपिक है वो है द बैटल ऑफ़ पानीपत और वैसे हम चैप्टर ट्वेल्व पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर ट्वेल्व में हमारा पार्ट सेकेंड होगा पार्ट फर्स्ट में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था कि बाबर किस तरह से इंडिया में आया था अब हम देखेंगे कि बाबर की जो तो सबसे एक होती है ना जो हिस्टोरिकल जो बैटल होती है वो थी द बैटल ऑफ पानीपत तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ जो बैटल ऑफ पानीपत की जो डेट है वो है ट्वेंटीथ अप्रैल फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो ये आपके सामने पूरी डेट है फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स में जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये लड़ी गई थी वैसे तो जो पानीपत के जो युद्ध हैं वो तीन बहुत फेमस हैं तीनों को पढ़ेंगे हम लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो बाबर ने की थी तो उस बैटल को हम देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके भी ज़रूर जाना अब कॉन्फ्लिक्ट विद इब्राहिम लोदी द रूलर ऑफ डेली अभी जब बाबर भारत में आया तो उस टाइम पर डेली में रूल कौन कर रहा था तो वो जो लोदी डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी लोदी डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी में इस टाइम पर जो रूलिंग जो पावर थी वो सारी किसके हाथ में थी वो थी इब्राहम लोधी के हाथ में ठीक है बाबर प्रिपेयर फॉर इट मार्चिंग टूवर्ड्स डेली और बाबर अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेता है डेली में आने के लिए क्योंकि उसके पास किसने ये इनविटेशन भेजा था जो इब्राहिम खान था जो सॉरी जो इब्राहिम लोधी था उसके जो अंकल थे दौलत खान लोधी उन्होंने इनविटेशन भेजा था बाबर को कि बाबर यहाँ आएगा इब्राहिम लोधी को यहाँ से हराएगा और चला जाएगा उनको ये नहीं पता था कि बाबर यहाँ के अब भारत को अपना ही मान लेगा इब्राहिम लोधी मेट बाबर एट पानीपत इज अ फोर्स एस्टिमेटेड एट वन लैक मैन एंड वन थाउजेंड एलिफेंट्स अब जब यहाँ पर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है तो वो कहाँ पर होती है पानीपत और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी आर्मी के साथ और एक हजार एलिफेंट के साथ दोनों की मुलाकात होती है सिंस द इंडियन आर्मीज जनरली कंटेन लार्ज होट्स ऑफ सर्वेंट्स द फाइटिंग मैन ऑन इब्राहिम लोधी साइड मस्ट हैव बीन फार लेस देन दिस फिगर बाबर हैड क्रॉस द इन दस विद द फोर्स ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड देखिए इसमें ऐसा कहा गया है कि जो ये दिखा रखा है ना कि ये अपने एक लाख आदमी के साथ आया था हजार एलिफेंट तो ये बताया हुआ है कि वैसे तो जो इंडियन आर्मीज थी वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चलती थी पहले जब वो किसी बैटल वगैरह पे जाती थी लेकिन यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता रखा है वहीं अगर हम बाबर की बात करें तो जब बाबर ने इंडस को क्रॉस करा इंडस रिवर को क्रॉस करा तो उसके पास जो फोर्स थी उसमें ट्वेल्व थाउजेंड जो उसकी आर्मी थी वो बारह हज़ार थी एंड द लास्ट नंबर ऑफ हिंदुस्तानी नॉबल्स एंड सोल्जर्स हु जॉइन बाबर इन द पंजाब और जो बाबर था वो खुद वैसे एक मुस्लिम था लेकिन जब उसने यहाँ पर अटैक किया तो उसकी खुद की आर्मी में बहुत सारे जो हिंदुस्तानी जो नॉबल्स थे सोल्जर थे उन्होंने बाबर को यहाँ पर इस बैटल में ज्वाइन किया Even then, बाबर आर्मी was न्यूमेरिकली inferior. बाबर strengthened his position बाय रेस्टिंग वन wing ऑफ his आर्मी ऑन द सिटी ऑफ पानीपत which had अ लार्ज नंबर ऑफ houses एंड प्रोटेक्टेड अदर by means ऑफ अ ditch फील्ड विद branches ऑफ ट्री अब जो बाबर था।, था उसने अपनी position को अपनी आर्मी को काफी strong करने की कोशिश करी ठीक है जब पानीपत में उसका युद्ध चल रहा था बहुत सारे जो बड़े बड़े घर थे और दूसरे जो ditch वगैरह थी उनको branches ऑफ जो ट्रीज वगैरह उनसे फिल करा दिया जिससे कि वो अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट कर सके इन फ्रंट ऑफ लेट्स टुगेदर अर्ज नंबर कार्ड्स टू एक्ट एज अ डिफेंडिंग वॉल बहुत सारे ऐसे कार्ड्स बना दिए जिससे कि वो वॉल की तरह काम करें बिटवीन टू कार्ड ऑन विच सोल्ड एंड फायर फॉर है ऑटोमन इन इज फेमस बैटल अगेंस्ट शाह इस्माइल ऑफ इरास देखिए बाबर ने अपने कुछ यहां पर टेक्निक्स लगवाई कुछ अपनी टेक्निक्स थी उसकी जो वो सीख कर आया था क्योंकि वो यहां इंडिया का तो था नहीं तो उसकी अपनी कुछ अलग टेक्निक्स थी तो जो टेक्निक्स शाह इस्माइल को जो ईरान का रूलर था उसको हराने में यूज़ की थी वो टेक्निक उसने यहाँ पर यूज़ करी उसने आगे जो कार्ड्स थे जो होते ना जिस पर रथ वगैरह पर लड़ते हैं उनको आगे खड़ा कर दिया और हर दो कार्ड्स के बीच में उसने वो जो तोप वगैरह है वो भी रखी और जिससे कि वो जो कार्ड्स है वो एक तरह से एक दीवार का काम करें वॉल का काम करें का तो यहाँ पर उसने अपनी इन टेक्निक्स के बल पर पे उस पेटल को जीत लिया बाबर हैड ऑल्सो सिक्योर्ड द सर्विस ऑफ टू ऑटोमन मास्टर गनर्स उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा तो, तो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा ये मास्टर गनर्स गनर्स थे कौन उस्ताद अली और मुस्तफा, ठीक है तो इनके भी आप दोनों को नाम याद रखने हैं The use of gunpowder had been gradually developing in India and Baba says that he used it for the first time in his attack on the fortress of Bihar. अब यहाँ पर जो gunpowder वो India में develop होना शुरू हो गया था और पहली बार Baba ने बताया कि पहली बार उसने किस attack में use किया था ये जो gunpowder है जब उसने जो Bihar का जो fort है ना जब उसको जीता था. Apparently gunpowder was known in India but it used for artillery become common in North India with the advent of Baba. तो जब gunpowder है वो भारत में तब ज़्यादा famous हुआ मतलब भारतीयों का तब पता चला जब बाबर आया है ना तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फिर उसके बाद जो गन पाउडर है उसका यूज़ होने लगा इब्राहिम लोधी हैड नो आइडिया ऑफ द स्ट्रांगली डिफेंडेड पोजीशन ऑफ बाबर इधर इब्राहिम लोधी को कोई आइडिया नहीं था कि बाबर कितनी तैयारी के साथ आ रहा है ही हैड अपेरेंटली एक्सपेक्टेड बाबर टू फाइट अ मोबाइल मोड ऑफ वॉरफेयर विच वॉज सेंट्रल एशियन एंड मेकिंग रैपिड एडवांस और रीट्रीट एज द नीड अराउस मतलब उसको आइडिया नहीं था कि कितनी नई नई टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स के साथ ये आ रहा है क्योंकि उसे सेंट्रल एशिया का इतना कोई आइडिया नहीं था फॉर सेवन एट डेज इब्राहिम लोधी फोर्सेज केम आउट फॉर फेटफुल बैटल एंड सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ बाबर पोजीशन दे हैजिटेटेड अब सात से आठ दिन जो ये बैटल है ये चलती है लेकिन बाद में जो इब्राहिम लोधी की जो आर्मी होती है जब वो उसे लगता है कि भाई हम तो कमजोर पड़ते जा रहे हैं वो समझ गए थे कि बाबर की जो पोजीशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉग है वैन इब्राहिम वॉज स्टिल रिकोगनाइजिंग हिस् फोर्सेज द टू एक्सट्रीम विंग ऑफ बाबर्स आर्मी वील राउंड एंड अटैक इब्राहिम फोर्सेज फ्रॉम द साइड एंड रियर अब यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी की जो आर्मी है वो सॉरी जो बाबर की आर्मी है उसने अब धीरे धीरे बिल्कुल उन सबको घेर के जो इब्राहिम की जो फोर्सेज है उसको चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया बाबर स्कनर यूज द गन विद गुड इफेक्ट फ्रॉम द फ्रंट जो बाबर के जो गनर्स थे उन्होंने सामने से जो गोलीबारी है गन वगैरह चलाना शुरू कर दिया बट बाबर गिवस द लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ इज विक्ट्री टू हज बोमैन क्यूरियसली ही मेक लिटल रेफरेंस टू इब्राहिम्स एलिफेंट अपेरेंटली इब्राहिम हैड लिटल टाइम टू यूज दैम तो यहाँ पर बाबर ने जो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दिया अपनी विक्ट्री का वो दिया बोमैन को ठीक है और यहाँ जो इब्राहिम लोधी के पास देखा जाए तो इब्राहिम लोधी था उसके पास एलिफेंट थे लेकिन एलिफेंट्स को अटैक करने में टाइम लगता तो so, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जैसे किसी चीज का पाया था तो नुकसान भी देखने के लिए मिल गया है यहाँ एलिफेंट का Despite these early setbacks, Ibrahim Lodhi's army fought valiantly, and the battle raged for two or three hours. Ibrahim Lodhi fought to the last with a group of 5,000-6,000 people around him. It is estimated that beside him, more than 50,000 of his men were killed in the battle. So, तो ये सब आपके सामने ही पूरा का पूरा यह numbers हैं कि कितने सारे जो लोग थे वो इस battle में मारे गए. The Battle of Panipat is regarded as one of the decisive battles of Indian history. तो मतलब काफी तकड़ी battle मानी जाती है Indian history में. इसने पूरी तरह से जो लोदियों की जो power थी वो बिल्कुल तोड़ के रख

जितनी भी टेरिटरी थी सब पहुंच गए बाबर के पास बाबर हैड टू वेस्ट टू हार्ड फॉर बैटल्स वन अगेंस्ट राणा संगा ऑफ मेवाड़ अब बाबर की एक और बैटल होती है वो होती है जो मेवाड़ के रूलर थे राणा संगा जी उनके साथ होती है एंड द अदर अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगान और दूसरी साइड में जो ईस्टर्न अफगान्स बैठे थे उनसे होती है बाबर ने ये दो बैटल क्यों लड़ी क्योंकि अब वो एरिया को कंसोलीडेट करना चाहता है वो नहीं चाहता था कि आस पास दुश्मन बैठे रहें और वो सही से रूल न कर पाए व्यूड फ्रॉम हिज एंगल द बैटल ऑफ पानीपत वॉज नॉट ए डिससेसिव इन द पॉलिटिकल फील्ड एज बीन मेड आउट इट इज रियल इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज़ ओपन अ न्यू फेज इन द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया तो इसलिए जो पानीपत की जो बैटल है वो सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड को लेकर ही नहीं बल्कि उसने पूरी तरह से हिस्ट्री चेंज करके रख दी है ना तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो डोमिनेशन का जो टाइम था एक नया फेज आ गया था कि अब नॉर्थ इंडिया को कौन डोमिनेट करेगा अभी तो छोटे छोटे राज्य रूल कर रहे थे देखा जाए तो लोधी डायनेस्टी थी उसके पास भी इतना बड़ा एरिया नहीं था लेकिन अब यहाँ पर जो मुगल हैं कहीं ना कहीं उनकी पावर फैलेगी यहाँ पर द डिफिकल्टीज ऑफ बाबर आफ्टर दिस विक्ट्री एट पानीपत वर मेनी फोल्ड्स एंड मेनी ऑफ ऑफिस बैग्स वर नॉट प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग कैंपेन इन इंडिया विद द ऑनसेट ऑफ द हॉट वेदर दे आर मिस गिविंग हार्ट इंक्रीज एंड दे वर फार अवे फ्रॉम होम इन अ स्ट्रेंज एंड हॉस्टाइल लैंड अब यह बाबर के सामने जीतने के बाद जो डिफिकल्टीज आती हैं पानीपत में बोथी जो उसके आर्मी में जो लोग थे वो अब आगे और एक किसी और दूसरे कैंपेन के लिए तैयार नहीं थे एक तो यहाँ उनको वेदर सूट नहीं कर रहा था भाई वो अलग जगह से वो लोग आए थे कुछ ना कुछ ये इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज थी उसके सामने आई बाबर टेलस डट द पीपल ऑफ इंडिया डिस्प्लेड रिमार्केबल हॉस्टैलिटी अपेंडिंग दे ऑफ विजेज एट द अप्रोच ऑफ द मुगल आर्मीज ऑब्वियसली द मेमरीज ऑफ तैमूर सेकिंग एंड प्लंडरिंग ऑफ द टाउन्स एंड विलेज वर स्टिल फ्रेश इन दर माइंड यहाँ पर बाबर ने बताया कि जो लोग उसकी आर्मी में आए थे जैसे हिंदुस्तानी नोबल्स थे और बहुत सारे हिंदुस्तानी थे जो उसकी आर्मी में शामिल हो गए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बाबर के लिए वहाँ पर लड़ाई करी तो उसने बहुत तारीफ करी कि वहाँ पर वो जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसका साथ दिया जबकि तैमूर के टाइम पर तैमूर ने क्या किया था भारत में आगे बहुत ज्यादा यहाँ पर लूट पार्टी तो की थी अभी भी जो वहाँ के गाँव के जो लोग थे उनके दिमाग में ये बातें पूरी तरह से फ्रेश थी कि तैमूर ने क्या किया था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बाबर का फिर भी बहुत अच्छे से साथ दिया कि अब उसकी आर्मी में काम कर रहे हैं तो पूरी वफादारी दिखाएंगे बाबर न्यू डैड रिसोर्सेज इन इंडिया अलोन और वो बहुत सारे लोगों को अपनी आर्मी में जो लेकर आया था ईरान से अफगानिस्तान से वो यही कहकर लेकर आया था वहां पर देखो किसी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी सब वही होता ना कि बस ठीक है गुजारा हो रहा है वही वाली बात थी तो वो उसने शामिल ही यही कहकर करा था कि भारत में बहुत कुछ है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो वहाँ से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे तो यहाँ पर उसने जो उसके साथी थे इंडिया में जो रिसोर्सेज थी उसको पता था कि उनसे वो क्या कर सकता है अपनी एम्पायर को और अपने लोगों को मजबूत बना सकता है नॉट फॉर एज द पॉवर्टी ऑफ काबुल अगेन ही रिकॉर्ड इन इज डायरी कि हमें फिर से उस गर्मी में नहीं जीना पड़ेगा जो हम काबुल में जी रहे थे ही दस टूक अ फॉर्म स्टैंड आई एम प्रोक्लेमिंग हिज अटेंशन टू स्टे ऑन इन इंडिया और इसी बात की उसने वो करते हुए लोगों को अपनी तरफ किया कि नहीं भारत चलते हैं एंड ग्रैंडिंग अ लीव टू नंबर ऑफ बैक्स हु वांटेड टू गो बैक टू काबुल और बाद में फिर यही हुआ कि जब वो यहाँ पर फाइट जीत गया तो जिन लोगों ने उसकी बहुत मदद करी थी और जो काबुल से बिलोंग करते थे उसको उसने छुट्टियाँ भी दे दी थी तरह से कि तुम वापस से काबुल जा सकते हो दिस इमीजिएटली क्लियर द एयर बट इट ऑल्सो इन्वाइटेड द हॉस्टेलिटी ऑफ राणा संगा हु बिगेन इज प्रिपरेशन फॉर शो डाउन विद बाबर दूसरी तरफ जो राणा संगा जी थे वो पूरा इस उसमें थे कि ठीक है अब क्योंकि राणा संगा हो गया जो या फिर दौलत खान लोधी हो गया इनको कोई आइडिया नहीं था कि बा, कि बाबर यहां आके ये मन बना लेगा कि उसको भारत में ही रहना इनको तो ये लगा था कि बाबर आएगा अटैक करेगा लोधी को हराएगा और फिर वापस फिर सब कुछ हमारे लिए छोड़ जाएगा लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है उसके बाद होती है द बैटल ऑफ खानवा इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही द बैटल ऑफ पानीपत तो आप जरूर बताइएगा कि जो लेक्चर आपको कैसा लगा और कुछ भी चेंजेस आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू